बॉलीवुड के गुरु कहे जाने वाले एक्टर अभिषेक बच्चन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म गुरु मानी जाती है। साल 2007 में आई इस फिल्म ने अभिषेक को एक्टिंग और एक्टिंग के दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करवाया। तो वहीं धीरू भाई अंबानी की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म को रिलीज करने से पहले निर्देशक मणिरत्नम को काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा था। अब जल्द ही अभिषेक और ऐसी ही टाइप की फिल्म करने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम रखा गया है दी बिग बिल। इस फिल्म के मुहूर्त शॉट की तस्वीर खुद अभिषेक ने शेयर की है सेट से। जी हां, आप सभी को बता दें कि सोशल मीडिया पर मुहूर्त शॉट की तस्वीरें डालते हुए जूनियर बच्चन ने, यानी कि अमिताभ बच्चन के बेटे बच्चन अभिषेक बच्चन ने लिखा, और हम चले एक नया सफर, एक नई शुरुआत, आपकी शुभकामनाओं की आवश्यकता है। तो वहीं एक रिपोर्ट की मानी जाए ये फिल्म साल 1990 से लेकर 2000 के बीच घटी सच्ची घटना पर आधारित होगी, जिनके कारण भारत की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। फिल्म की कहानी चर्चित स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता के जीवन पर है आधारित बताई जा रही है। हर्षद मेहता को 1992 में आर्थिक अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं बताया जाता है कि इस फिल्म में अभिषेक बच्चन बड़े पर्दे पर हर्षद मेहता का किरदार निभाएंगे। तो वहीं एक सूत्र की माने जाए तो ये एक संयोग ही है कि अभिषेक जिस व्यक्ति की भूमिका निभाने जा रहे हैं उसे स्टॉक मार्केट बिग बी कहा जाता है। साल 2007 में आई फिल्म गुरु में गुरुकांत देसाई का किरदार निभाने के बाद अब अभिषेक का ये दूसरा सबसे चैलेंजिंग रोल होने वाला है। कहानी में अभिषेक के किरदार को काफ़ी इलीगल रूप देने का माना जा रहा है। जी हां, अवैध रूप से सामान बनाते हैं, स्टॉक करते और बड़े पैमाने पर स्टॉक में हेराफेरी करते दिखाया जाएगा। हालांकि अभी फिल्म गुरु की तरह ही इस फिल्म के लिए भी इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि यह फिल्म एक बायोपिक होगी या नहीं। वेल, फिल्म का निर्देशन कुकी गुलाटी कर रहे हैं। वहीं अजय देवगन अपने खास निर्देशक इंद्र कुमार व फिल्म मेकर अशोक ठकेरिया के साथ मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अर्जुन धवन और जूही चतुर्वेदी लिखित इस फिल्म की कहानी हर्षद मेहता के पूरे जीवन को ऊपर से लेकर नीचे तक जाने की कहानी को प्रदर्शित करेगी। साथ ही साल 1992 के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुई धोखाधड़ी को भी ये काफ़ी बारीकी से दिखाने वाली है। तो वहीं शेयर बाजार के जादूगर कहे जाने वाले हर्षद मेहता के खिलाफ 27 अपराधों में से 4 के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है और 5 सवाल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। तो वहीं आपको बता दें 47 साल के हर्षद मेहता को 31 दिसंबर 2001 में थाने जेल से इलाज के लिए थाने सिविल अस्पताल में ले जाया गया था। इलाज के दौरान ही दिल का दौरा पड़ने के कारण हर्षद मेहता की मौत हो गई थी। रिपीट, हर्षद मेहता ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। पता चला कि अभिषेक के साथ इस फिल्म में अजय देवगन भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं।